हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम 012 ट्रांसफार्मर को कैसे होम थिएटर पर लगाएंगे उसके बारे में जानेंगे। आप जानते होंगे जो भी होम थिएटर होता है उसके लिए आपको 12012 की जरूरत पड़ता है, ना कि 012। तो हम कैसे इसके अंदर 012 लगा सकते हैं, 012 से ही हमारा काम चल सकता है, हमारा ये होम थिएटर चल सकता है। अगर आपके पास 012 एक ट्रांसफार्मर है, आप चाहते हो उसको होम थिएटर पर लगाए, तो उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए, मेरा पास 012 ट्रांसफार्मर एक है, तो मैं चाहता हूँ कि इससे हमारा ये चल जाए। तो चलिए, पहले तो पुराना वाला ट्रांसफार्मर जो कि आपका खराब हो गया, तो उसको आपको खोल देना है। आप उसको खोल देंगे, वैसे मेरा केस में ये सही है। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आपका अगर कोई जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पे इसको जो भी एसी इनपुट है उसको कनेक्शन कर देना है सही तरीके से, और कोई भी यहाँ पे आपको चीज नहीं करना है। बाकी यहाँ पे आउटपुट पर आपको लगाना है। आउटपुट पर आप जो भी आपका पहले ट्रांसफार्मर था उसका कनेक्शन देखेंगे 12012, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर 012 है तो हम एक 0 पर लगाएंगे और एक 12 पर लगाएंगे, तो इससे हमारा ये होम थिएटर चालू हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली 12012 होगा तो अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि आपके पास नहीं है उस केस में आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो चलिए, मैं इसको अभी आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे साउंड आ चुका है, तो चलिए मैं आप लोगों को अभी इसका साउंड टेस्ट करके दिखाता हूं। तो चलिए, वीडियो को यहाँ पे ही खत्म करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई जानकारी चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, और मैं ऑब्वियसली आपके लिए हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।